नमस्कार, प्रणाम। मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं सीकेएसजी ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं नंदन पहाड़ पे आया हूँ और देख रहे होंगे मेरे पीछे कितना खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है, और इधर भी देख रहे होंगे किस तरह का मूर्ति बनाया गया है। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में नंदन पहाड़ का नज़ारा। और ये नंदन पहाड़ झारखंड में पड़ता है, और अगर यहाँ का लोकेशन की बात किया जाए तो जसीडीह से आप 20 रुपया भाड़ा में आप यहाँ पे नंदन पहाड़ पे आराम से पहुँच सकते हैं, ऑटो वाला पहुँचा देंगे। तो दोस्तों चलिए, क्या सारा कुछ है इस नंदन पहाड़ पे, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह का व्यू है, किस तरह का नज़ारा है, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और चलिए चलते हैं और एक एक करके मैं पूरा डिटेल में आप सबको मैं दिखाऊँगा नंदन पहाड़ का ये दृश्य। चलिए देखिए, काफ़ी फूल लगाया गया है और इधर भी फूल है, देख रहे होंगे यहाँ से लेके वहाँ तक अब फूल ही फूल हैं, और अंदर में भी अच्छा अच्छा फूल लगाया गया है, देख रहे होंगे। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में फूल। ये पूरा का पूरा सेटअप ये पहाड़ के ऊपर में ही है, नंदन पहाड़ इनका नाम है। तो दोस्तों चलिए, और सारा कुछ आगे मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए ये है शंकर भगवान, नज़दीक से दिखाते हैं, प्रतिमा पर ना चढ़ें, सही बात है। और देख रहे होंगे शंकर भगवान का मूर्ति लगाया गया है, और शंकर भगवान झारखंड देवघर के नाम से तो प्रसिद्ध ही हैं, और इसीलिए इनका यहाँ पे मूर्ति लगाना बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं इधर इधर से ही। यहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा आपको। और यहाँ पे अगर चढ़ते चढ़ते आप थक गए हैं तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। देखिए रिलैक्स करने का बहुत अच्छा जगह है। देखिए और काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे मार्बल लगाया गया है, देख रहे होंगे, और यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फिर घूमने का अगर मन करे तो आप घूम सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे आप ठहर सकते हैं 10-15 मिनट आप, उसके बाद चलिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए काफ़ी अच्छा है देखिए, और ये जो है ये जीभ, ये दिख रहा होगा ये जीभ है, और देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और उधर भी पेड़ पौधा लगा दिया गया है, और सारा कुछ दिखाते हैं आपको। चलिए क्या है भाई, और सब ठीक है? ठीक है ना, देखो बहुत सारे लोग मिल गए हैं। क्या दोस्त, ठीक है? और कहाँ से हो आप लोग? हम लोग मुर्शिदाबाद। झारखंड में ही पड़ता है क्या? नहीं, वेस्ट बंगाल। अच्छा ठीक है, घूमने के लिए लोग आए थे और देख रहे थे हमें, तो इसी वजह से मैं बोला क्या है यार, क्या है, चलते हैं दिखाते हैं और सारा कुछ, मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिए, इधर का खूबसूरत नज़ारा है, उधर बच्चे लोग खेल रहे हैं देखिए, और काफ़ी ये सब भी देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। और चलिए और कुछ आगे जाके दिखाते हैं आगे का नज़ारा किस तरह का। देखिए और फूल भी और कांटा भी लगाया गया, देखिए डालोची। देखिए और ये भी फूल काफ़ी अच्छा है देखने में। देखिए उधर में, उधर नाव से आप घूम सकते हैं उस तालाब में, जो भी आपका किराया लगे आप देकर घूम सकते हैं। यहाँ पे अभी बंद पड़ा हुआ है,
यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको, इधर से कितना ज़बरदस्त है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगता है देख के, ज़बरदस्त यहाँ का लोकेशन है। चलिए मैं भूतिया घर दिखाऊंगा, और सब लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप रिलैक्स कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये पहाड़ है, घूमते घूमते थोड़ा तो लोग हर आदमी थक जाता है और मैं भी थक गया हूँ। तो देखिए यहाँ से भी वो तालाब दिख जाता है जहाँ पे आप नाव से घूम सकते हैं। और चलिए मैं आप सबों को दिखाता हूँ और सारा कुछ, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, और वहाँ पे आपको दिख जाता है भूतिया घर, और लोग सारे झूला में एंजॉय कर रहे हैं, झूला। और यहाँ पे भी प्रतिमा ये दिखा दिए हैं आपको, और ये आपका बच्चों के खेलने के लिए है, इनका क्या नाम है हमें मालूम नहीं, देखिए। और अभी टूट गया है, इसे रिपेयरिंग करवाया जाएगा, देखिए। और उधर आपको दुकान खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे अभी भी। और चलिए भूतिया घर, दूसरा भूतिया घर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर भी झूला है देखिए, यहाँ पे आप झूल सकते हैं, देखिए झूला है, इस पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए और यहाँ से देखिए कितना काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और काफ़ी खूबसूरत है। चलिए मैं चलते चलते हर एक एक चीज़ का मैं अपडेट कर दूंगा और दिखा रहा हूँ सबको, आप मेरे वीडियो में बने रहिए इसी तरह। देखिए ये फूल सारा कितना अच्छा लगाया गया, और हम जब भी खाते थे तो सिर्फ यही खाते हैं, चलते हैं। और नंदन पहाड़ का लगभग मैं दृश्य दिखा पाया हूँ आपको, और कुछ और दिखाना बाकी है। और यहाँ पे इधर भी देखिए काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और झारखंड का ये सबसे अच्छा घूमने का जगह है नंदन पहाड़, और काफ़ी अच्छा लगता है। और पहाड़ के ऊपर में है, और सारा लोग आता है देखने के लिए क्या है पहाड़ के ऊपर, चलते हैं देखते हैं। अक्सर देखते होंगे कि पहाड़ पे कुछ नहीं रहता है, और यहाँ बहुत सारा कुछ बनाया गया है पार्क का, तो स्वाभाविक है कि लोग देखने के लिए चाहेंगे, और देखना भी चाहिए क्या है नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक और स्तूप है, देख किस तरह का है। और चलिए उधर दिखाते हैं आपको, जी इधर है मंदिर शायद पूजा करने के लिए। चलिए, और इधर आपका मंदिर है,
और जूता पहने हुए हैं, इसी वजह से मैं उधर नहीं जाऊंगा। अभी देखिए इसे दिखा देता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और सारा जगहों पे मैं दिखाऊंगा, इधर भी देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। ये नंदन पहाड़ का दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, देखिए। और इधर जा सकते हैं, चलते हैं इधर। और देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है, ये बाउंड्री बनाया गया है यहाँ पे, देखिए। और यहाँ पे बैठ सकते हैं, बैठने का जगह है, और यहाँ बैठने का है, देखिए। इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, और इधर भी बैठ सकते हैं, और उधर जो मंदिर का है उसका नज़ारा का एंजॉय आप ले सकते हैं। और उधर भी बैठने का जगह बनाया गया है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, देख रहे हैं उधर भी है, और सारा कुछ उधर है। तो फिलहाल अभी इतना ही दिखाते हैं, और चलिए चलते हैं और सारा कुछ आपको दिखाते हैं। और वहाँ पे जो दिख रहे होंगे उस वही रास्ता से हम लोग ऊपर पे चढ़े हैं, और वहाँ पे जाएंगे दिखाएंगे। हाँ, इस इधर से ही हम लोग चढ़े थे। चलिए मेरे साथ। और इधर भी देखने का काफी अच्छा लगता है, इधर भी इधर से भी जा सकते हैं, और आगे जाके आप नीचे जा सकते हैं अपने जगहों पे। तो चलिए और सारा कुछ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, उधर भी देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है और घूमने के लिए, और उधर भी है, देखिए वहाँ, देखिए वहाँ पे, और वहाँ पे आपका मंदिर मिल जाता है। तो ये तो दोस्तों, किस तरह ये वीडियो लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो आप सब इस तरह देख पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।